हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अदर शॉट ऑन टेक्नो मॉडिफायर। दोस्तों मेरा नाम हिजाज और आज की इस वीडियो में बात करें कैसे हम एक डाउनलोडिंग का आइकन क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर, वेब पेज पर, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। आप चाहें तो डाउनलोडिंग के बटन की जो है बाय नाउ का भी बटन वहाँ पर क्लिक बना सकते हैं। किसी भी तरीके का आप चाहें तो वहाँ पर बटन क्रिएट कर सकते हैं और जैसे ही कोई यूज़र उसे टच करेगा तो जो भी आपने उसको काम करने के लिए उसमें डाला होगा सिस्टम, वो उस काम को कर देगा। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले अपने वेबसाइट पर जाकर, मैं ब्लॉगर वेबसाइट वैसे यूज कर रहा हूँ, चलिए मैं अपने ब्लॉगर साइट पर जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक आइकन क्रिएट कर दिखाऊंगा जो कि डाउनलोड नाउ का होगा। पहले मैं किसी फाइल को चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरे ड्राइव पर है। चलिए यहाँ से हम उस एप्लीकेशन या फिर उस फाइल की लिंक को बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जिसे हमें उस बटन में डालना होगा। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। चलिए ये एप्लीकेशन है मेरा, मैं इस एप्लीकेशन की लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया है। चलिए अब हमें अपने साइट पर जाना है। ये रही हमारी साइट। यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पर आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहें, जो भी आपकी वेब पेज में आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। चलिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लिंक फॉर डाउनलोड। अब हमें एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ से उस फोटो को चूज़ करते हैं। चलिए डाउनलोड बटन टाइप करते हैं, डाउनलोड सिलेक्ट करते हैं इसे। यहाँ पर आपको इमेजेस पर जाना है। आप ध्यान रखिएगा कि बिना कॉपीराइट के कोई भी इमेज यूज कीजिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे बिना कॉपीराइट के किसी भी फ़ोटो का यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस में या फिर अपने ब्लॉग्स पर। चलिए हम इस आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव इमेज। चलिए हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब हमें अपने वेब पेज पर वापस जाना है। चलिए ये हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है, ये लोडिंग कर रहा है अभी पूरे पेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप किया था लिंक फॉर डाउनलोड। यहाँ पर हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ये पेज ओपन होने वाला है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पे चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारी फाइल कहाँ है। मैंने अभी जो फाइल डाउनलोड की थी ये डाउनलोड्स में आई होगी। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड डॉट पीएनजी है, ये फाइल अपलोड हो चुकी है। ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो आ चुका है। अब हमें इस फोटो पर प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक का जो ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए, ये लिंक का ऑप्शन ओपन हो चुका है। चलिए देखते हैं एक बार फिर ट्राई कर देखते हैं। लिंक पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक का एक टैब ओपन हो चुका है। जो हमने लिंक कॉपी की थी अपने गूगल ड्राइव से, हमें बस उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। चलिए इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए इसे हम ओके कर देते हैं। ये काम हो चुका है, अब हमें बस इसे पब्लिश करना है। चलिए देखते हैं, इसे कैंसिल कर दीजिए। ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब हमें अपनी वेबसाइट पर जाना है। चलिए हम अपनी वेबसाइट पर जाके देखते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वो वेब पेज जो हमने अभी क्रिएट किया था, जो हमारी वेबसाइट पर जो ये पोस्ट हमने क्रिएट की थी। चलिए इसे ओपन कर देखते हैं।
चलिए हम अब इस आइकन को क्लिक करके देखते हैं कि हमारा काम हुआ है कि नहीं। चलिए मैंने इस आइकन को क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गूगल ड्राइव का वे पेज ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फाइल की लिंक को एक फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बाई नाउ का हो या फिर वो डाउनलोड का हो, डाउनलोडिंग लिंक हो, आप उसे किसी भी तरीके की लिंक हो उसे इस तरह से कन्वर्ट करके किसी फ़ोटो में डाल सकते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र उसे देखे तो वो उसे एक अट्रैक्टिव लुक लगे और वो उस पर क्लिक करे। और इस तरह से आपका जो लिंक था वो एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी कोई उसे क्लिक करेगा तो वहाँ से उस फाइल को डाउनलोड कर सकेगा या फिर उस वेबसाइट पर जा सकेगा जो भी आपने लिंक प्रोवाइड की थी उसे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।